गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ तक का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी, कल का ब्लॉग था फ्राइडे का। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं शादी में, और ये जगह भी बहुत ही खूबसूरत थी, तो कल भी आपने देख ही ली होगी। तो बस थोड़ी देर फिर हम यहाँ पे बैठे थे और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, एकदम जैसे पिकनिक स्पॉट होते हैं ना, वैसे ही था ये। और ये भी मैं आपको दिखाई चुकी थी कि किस तरह से लकड़ियाँ बिन रहे थे और जो बच गया उसको आग वाग लगा के, ऊपर कहाँ जाना, कांटे जो बच जाते हैं उनको आग लगा दी। और इसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए शादी की तरफ। तो चलिए अभी आपको शादी के ही रिवाज दिखाते हैं, कैसे कैसे मनाई जाती है यहाँ पे शादियाँ। तो इस तरह से शादी में आकर के हम सबसे मिलते हैं, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए होते हैं तो खूब मज़े आते हैं। और इसके अलावा ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये एक ख़ास रस्म होती है। इसमें जो दूल्हे की बुआ होती है वो ये फलों की टोकरी लेके आती है और सब फिर खूब हंसी मजाक करते हैं, डांस करते हैं। तो वैसे तो मैंने शादी के वीडियो अपने भाई का भी शेयर किया है आपके साथ, लेकिन उस केस में ये वाली चीज़ नहीं थी क्योंकि हमारी बुआ नहीं है। और देखिए आपके किस तरह से डांस कर रहे हैं, और एक ये जो बुज़ुर्ग जैसे हैं दादाजी, तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त डांस कर रहे हैं, इनका डांस। के बाद ये अभी चली हुई है बटना लगाने की रस्म, तो यहाँ पर भी खूब हंसी मजाक चलता है, जितने भी रिश्तेदार होते हैं सब के सब दूल्हे को फिर बटना लगाते हैं। और आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो दूल्हे को तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और ठंड और लग रही है। चलो जी अगले 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 टाइम टाइम की फॉक्स करो। Yeah.
घुमा दो नहीं तूने तो मेल मिलाप तो चला ही रहता है, जो जो नए आते रहते हैं रिश्तेदार उनके साथ फिर से मिलते रहते हैं। और ये अभी आपको दिखाते हैं, ये चली हुई है तेल डालने वाली रस्म। और यहाँ पर भी खूब हंसी मजाक चलता है और लेडी संगीत वो तो मैंने आपको सुनाया, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा। इसके बाद फिर ये एक खास रस्म आपको दिखा रही हूँ, इसमें दूल्हे को बाहर ही नहलाया जाता है और फिर उसके मामा लोग उसे उठा करके अंदर लेके जाते हैं। चलो आ जाओ। हाँ जी जाऊंगी, मुँह से बोल, तेरे बोले मुँह से बोल। तो नहाने के बाद फिर अंदर ये हवन वगैरह कुछ होता है और इसके बाद दोबारा से फिर दूल्हे को बाहर ही लेके जाया जाता है और फिर होती है एक और रस्म जिसमें मामा लोग फिर कपड़े पहनाते हैं दूल्हे को और बाकी बिरंडी बोलते हैं हम लोग, तो जो भी रहते हैं घर के मेंबर्स उनके साथ लेन देन किया जाता है। चलिए तो दूल्हे के साथ ही थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। हमारे दादा साहब को बाहर ही नहलाया गया, अभी इनसे पूछते हैं कि कैसे हालात लग रहे हैं। तो कैसा लग रहा है अभी आपको यहाँ पे? लग रही है कोई भी, जब तक मतलब यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी तब तक यहीं पे बैठना पड़ेगा इसको। और बहुत पुरानी रिवाज है लेकिन हम मेरा बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए हम अपने रिवाज अभी तक छोड़े नहीं है कोई भी। और शादी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी मतलब होएगी तब नहीं कर सकते नहीं, मतलब एक्साइटमेंट कैसी है? एक्साइटमेंट है तू ले को भी पूरी पूरी शादी की, तो ऐसा सब होता है मेरे। तो ये मेरे बच्चों की मस्ती चली हुई है, ये भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं और इसके बाद फिर भूख बहुत लगी है तो चलिए डिनर कर लेते हैं। आप भी कर लीजिए हमारे साथ डिनर और आपको दिखाएं। तो ये देखिए, ये हैं वो ट्रेडिशनल पत्ते जिनमें खाना हम खा रहे हैं अभी। तो ये पत्ते ना खुद बनाए जाते हैं, यहाँ के लोग खुद इनको बनाते हैं, कुछ तिल्लियों की हेल्प से ये जोड़े जाते हैं। और
बहुत ही आनंद आता है इस तरह से अपने जो खुद की नेचुरल चीज़ें हैं उन्हीं में खाना खाते हुए, तो और भी मज़ा आता है और स्वाद ना दो गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। रियलिटी में होता है ये सब, ऐसे ही नहीं मैं बोल रही हूँ। नीचे चली हुई है शादी की रस्में, इसलिए डीजे वगैरह नहीं लगाया हुआ है अभी तक, और बाद में ही ये सारा प्रोग्राम चलने वाला है, तो बच्चों से कंट्रोल नहीं हो रहा था इसलिए ये लोग सारे इकट्ठा होकर यहाँ पे खूब धमाल मचा रहे थे। तो हम भी थोड़ी सी देर अपना मौज मस्ती किया क्योंकि हमने फिर आ जाना था घर को वापस, बहुत लेट तक हमने नहीं रुकना था क्योंकि सुबह फिर बच्चों ने स्कूल भी जाना है। तो इसके बाद हम तो आ गए वापस, और शादी अभी बाकी है, बारात थोड़ा दूर जानी है, सोलन जा रही है बारात, तो वहाँ वो सब चीज़ें मतलब हम तो कैप्चर नहीं कर पाएंगे और ना उतने दूर तक जाना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जब दूल्हा बारात लेके आ जाएगा तो क्या क्या रस्में की जाती हैं वो सारी फिर मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। तो अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको फिर आगे के ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। और ऐसे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेके आती रहती हूँ, नई नई जगहें भी। हाँ, हर रोज़ तो थोड़ा सा टफ रहता है लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो आपके लिए कुछ नया भी लेके आती ही हूँ। तो चलिए बस इसी के साथ आज के ब्लॉग की एंडिंग में यहीं पे कर रही हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।